नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं बामिन सुम्पी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू। मंगलवार को वर्ष 2023-24 का बजट होगा पेश। राज्यपाल केटी पंडायक ने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भर कृषि, बागवानी, पशुपालन और इको फ्रेंडली टूरिज्म क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है सरकार। राज्य विधानसभा में पूर्व सदस्यों दिवंगत तुत्तेन टेम्पा, कारवा वांगचू और जाम्बे ताशी को दी गई श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा, उन्होंने सदैव समाज के सभी वर्गों के विकास को अपने जीवन में दी प्राथमिकता। विधायक श्री लांबू ने मुश्किल समय में सहयोग के लिए सदस्यों का जताया आभार। कांग्रेस विधायक नीनोंग इरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में देश भर में चीन में बने हुए सीसीटीवी कैमरों पर सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध लगाने और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का किया आग्रह। कहा, चीन की सरकार इसके जरिए संवेदनशील मामलों की कर सकती है जासूसी। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। 14 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के अलावा महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। राज्य के वित्त मंत्री का पदभार संभाल रहे उप मुख्यमंत्री चाउना मेन मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगे। बजट सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल केटी पंडायक ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक देशवासियों के लिए गौरव की बात है और एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर विभिन्न विषयों पर हो रही बैठकों से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को गति मिल रही है। Honorable members, India has assumed G20 presidency this year, which is a matter of great pride for all of us. Leadership of most significant political and economic group of the nation provides a unique opportunity to strengthen our role in the global order. The theme of our presidency, One Earth, One Family, One Future, reflects on our core beliefs of Vasudeva Kutumbakam. As such, we are well poised to play a pivotal role in finding pragmatic and meaningful solutions to global problems for the well-being of all. The occasion is all the more significant since G20 presidency also marks the beginning of the Amrit Kal, the 25-year period beginning from the 75th anniversary of our independence and leading up to the centenary in the year of 2047. राज्यपाल केटी पंडायक ने आज बजट सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार टीम अरुणाचल की भावना के साथ शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, आत्मनिर्भर कृषि, बागवानी, पशुपालन और इको फ्रेंडली टूरिज्म सहित कई अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार सामाजिक और सामुदायिक सहभागिता, आजीविका के अवसर पैदा करने, क्लाइमेट रेजिलियंट और रेस्पॉन्सिव ग्रीन डेवलपमेंट पर बल दे रही है। राज्यपाल ने विधानसभा सदस्यों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से राज्य के सभी जिलों और आंचलों का विशेष रूप से सुदूर और सीमावर्ती इलाकों का नियमित दौरा कर केंद्र और राज्य सरकार की विकास और कल्याणकारी योजनाओं के अमल की समीक्षा करने का आह्वान किया। अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। The vision of my government for accelerating accessible, affordable and equitable development for attaining greater happiness will be reflected in the annual budget for 2023-24. Honorable members, the physical infrastructure of the state has progressed by leaps and bounds during the last 7 years under the able leadership of our young and energetic Chief Minister, Shri Pema Khanduji. The inauguration of Donipolo Airport, Itanagar, by the Honorable Prime Minister on 19th of November 22 was a historic event witnessed by all of us. The central government is considering our proposal for 3 more advanced landing grounds in Dirang in West Kameng, Anini in Dibang Valley, and the third in Upper Subansiri district.
The road sector has also seen unprecedented development in the last 6 years. 2,482 kilometers of national highways have been built. At the same time, 6,755 kilometers of rural roads have been constructed, providing all-weather connectivity to 170 habitations under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. The commitment and proactive attitude of the government is reflected in the fact that road connectivity reached the state's two remotest administrative circles, that is Vijayanagar on Indo-Myanmar border and Thali on Indo-Tibetan border this year. Shri Pema Khanduji's personal leadership ensured that unrealized dreams of the people were fulfilling 75 years after the independence. With support from Government of India, 4G connectivity is being extended to an additional 1,903 villages in the state by December of this year, 2023. The Sarkar Aapke Dwar initiative has now been revamped as Seva Aapke Dwar to ensure that every eligible person gets the benefit of government flagship schemes at his doorsteps. Government of Arunachal Pradesh is developing a new integrated 24/7 online portal named CMA Jan Sunwai that enables all citizens to lodge their grievances on any subject related to public service. Through e-governance reforms such as e-office and e-cabinet, my government has ensured highest levels of transparency and accountability. I am pleased to inform that the state of Arunachal Pradesh has been awarded for best community engagement in adolescent health, reflecting our resolve to provide quality health services to our youth. राज्य सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत अरुणाचल प्रदेश के 221 वार हीरोज को मान्यता प्रदान की है। विधानसभा में राज्यपाल केटी पटनायक ने कहा कि 37वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम वीरों पर जारी रिपोर्ट के अनुसार 18 स्वतंत्रता सेनानियों को अनसंग हीरोज, 74 को शहीद और 126 को स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। राज्यपाल ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आज़ादी की लड़ाई में शहीद होने वाले अरुणाचल के स्वतंत्रता सेनानियों को मरणोपरांत अवार्ड प्रदान किए गए। The government undertook very commendable initiative of recognizing and honoring the immense contribution of people of Arunachal Pradesh in India's struggle for independence. But for this laudable effort of the government, the history of our heroes, including the unsung heroes, martyrs and freedom fighters, would have remained confined to the indigenous oral history. The painstaking field and academic research firmly supported by government has resulted in proper documentation of their lives. The legends of the struggle and the bravery will now be known to the people of the state and country. Honoring the memory of our unsung heroes has been a singularly important endeavor of the government during Azadi Ka Amrit Mahotsav in the 75th year of our independence. राज्य विधानसभा में पूर्व सदस्यों दिवंगत तुपतेन तेम्पा, कर्मा वांगचू और जाम्बे ताशी को श्रद्धांजलि दी गई। उप मुख्यमंत्री चौना मेन, कांग्रेस विधायक नीनोंग इरिंग, खेल मंत्री मामा नाटुंग, जल आपूर्ति मंत्री वांगकी लोवांग, RWD मंत्री होनचुन नांगप, कृषि मंत्री तागे ताकी, विधायक पूर्वा शेरिंग, कुमसी सिद्धिसो, न्यामर कारबक, गोकर बासर, न्यातो दुकोम, दसंगलू पुल, सिरिंग लामू सहित कई सदस्यों ने अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास के पूर्व मंत्री तुपतेन तेम्पा, कारमा वांगचू और पूर्व विधायक जाम्बे ताशी के योगदान को याद किया। उप मुख्यमंत्री चौना मेन ने कहा कि दिवंगत सदस्यों के साथ विधानसभा में काम करने का अवसर मिला और उन्होंने सदैव समाज के सभी वर्गों के विकास को अपने जीवन में प्राथमिकता दी। विधायक श्री लामू ने जीवन के सबसे मुश्किल समय में उनका और परिवार का साथ देने के लिए विधानसभा के सभी सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की सदैव प्रयास करेंगी। अक्टूबर और नवम्बर महीना हम तमाम के लिए बहुत ही दुखमय महीना रहा। 13 डेज के अंतराल में तवंग के 3 बड़े नेताओं ने का देहांत हो गया। 7 अक्टूबर को तुपतेन तेम्पा साहब का देहांत हो गया। फिर 13 डेज के बाद 20 अक्टूबर को कर्मा वांगचू साहब का देहांत हो गया और फिर 13 डेज के बाद 2 नवंबर को मेरा हस्बैंड चमेटासी जी का देहांत हो गया।
आज के इस शोक सदन में उन तीनों नेताओं के लिए जो कंडोलेंस मैसेजेस दिए हैं, सभी जितने भी लोगों ने जो कंडोलेंस मैसेज दिया है, सभी को मैं तवंग के जो तीनों नेताओं के परिवार की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे पति के जो लास्ट राइट में यहाँ से जितने भी लोग वहाँ पर आए थे, जितने भी लोगों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे, उनको मैं उस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देने के लिए, हमारे परिवार के साथ देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। लेट कर्मा वांगचू जी और लेट जाम्बे दाशी जी के विषय में आपने बहुत विस्तार से इसमें कहा और हमारे छोटे भाई प्रभाशी रिंग ने भी इसमें बहुत विस्तार से कहा, तो हम इसमें ज़्यादा इस विषय पे हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इस जो इतिहास है इनका, जो उन्होंने सब इतिहास रचा है, ये सबका मन में है। तुप्ते तेम्पा साहब और हमारे स्वर्गीय कर्मा वांगचू जी, हम शायद हमारे पहली जो असेंबली है इसमें हमारे बीच में शायद हम दो या तीन ही हैं उस समय में जब हम इलेक्ट हुए थे 1990 में, तो उसका इतिहास को हम फिर दोबारा नहीं रचाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से वो आदमी थे, जो इंसान थे स्वर्गीय तुप्तेन तेम्पा जी, जिन्होंने अपना जो उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, जो एक आईएएस ऑफिसर के रूप में या एक इवन इन द अदर सर्विसेज जिन्होंने वो काम किए थे, उसको छोड़ के हमारा यहाँ विधानसभा में आए, जनता की सेवा करने आए, और बहुत सारे उन्होंने ऐसा योजनाएं लाए थे जो अभी भी उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो अचानक मुझे फोन आया और जाम्बे ताशी चल बसा बोला, मैं तो शॉक हो गया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने दोबारा फिर किसी को और किसी एक व्यक्ति को पूछा कि ये बात सही है कि नहीं, उन्होंने बोला कि बात सही है, और रात को हॉस्पिटल में वहाँ वो चल बसा। फिर सीएम साहब भी पासीघाट जा रहा था, पासीघाट से फिर वो रिटर्न हेलीकॉप्टर से फिर गुवाहाटी जाके, गुवाहाटी से उनका जो बॉडी को लुंगला ले जाएगा, तवांग ले जाएगा। तो मैंने भी सोचा मैं भी जाऊं, तो एक दिन का बाद मैं 4 तारीख को लुंगला पहुंच गया है। एक अच्छा मेरा सर एक दोस्त जैसा भी रिश्ता था, छोटा भाई जैसा भी मेरा सर रिश्ता था। कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में देश भर में चीन में बने हुए सीसीटीवी कैमरों पर सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध लगाने और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में चीन में बने हुए सीसीटीवी कैमरे लगाने से चीन की सरकार इनके जरिए संवेदनशील मामलों की जासूसी कर सकती है। श्री निनोंग इरिंग ने कहा कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए कहा कि वर्तमान कानून इससे निपटने के लिए अपर्याप्त है। अपने पत्र में उन्होंने सीसीटीवी नेटवर्क में उपयोग होने वाले इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा और इंटरनेट ऑपरेटेड डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग उपकरणों का जिक्र करते हुए कहा कि चीन के हैकर्स से इसमें सुरक्षा के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। विधायक निनोंग इरिंग ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने संदेहास्पद स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइनीज हैकर्स अभियान के दावे का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा के निकट लद्दाख में रियल टाइम ऑपरेशन फॉर ग्रिड कंट्रोल और विद्युत वितरण प्रणाली की घटना के लिए कथित रूप से चाइनीज हैकर्स जिम्मेदार थे। केंद्र सरकार आम लोगों की मदद करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं का लाभ सीधे वंचित व्यक्ति को मिले, इसके लिए सरकार ने धीरे धीरे योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को लागू किया है। सरकार का कहना है कि डीबीटी के कारण केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में अरबों डॉलर बचाने में मदद मिली है। केंद्रीय आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर काफी आसान है और इससे भ्रष्टाचार को दूर किया है। इसके कारण केंद्र सरकार की योजनाओं में अब तक 27 बिलियन डॉलर से ज्यादा की बचत हुई है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में अरबों डॉलर बचाने में मदद मिली है।
आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ रविवार को ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर काफी आसान है और इससे भ्रष्टाचार को दूर किया गया है। इस कारण केंद्र सरकार की योजनाओं में अब तक $27 बिलियन से ज्यादा की बचत हुई है। अजय सेठ ने इस मौके पर कहा कि भारत ने जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है वह स्वाभाविक रूप से स्केलेबल, इंटर ऑपरेबल और इनोवेशन फ्रेंडली और समावेशी है। इससे पूरी तरह से सरकार व लोगों के अलावा लोगों व व्यवसायों के आपसी व्यवहार को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि चूंकि अब सारे हस्तांतरण प्रत्यक्ष और आसान है, ऐसे में भ्रष्टाचार की और कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती है और ये अपने आप में फायदेमंद है। इसमें फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया है। अजय सेठ ने कहा कि भारत में DPI से लेस DBT उन लाखों नागरिकों को राहत प्रदान करने में वरदान साबित हुआ है जिनका जीवन यापन प्रभावित हुआ था। सरकार DPI के माध्यम से टीकों का वितरण कर और सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराकर लाखों लोगों की मदद करने में सफल रही है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव ने इस मौके पर G20 के योगदान की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि हालिया सालों में G20 ने दुनिया को कई झटकों से उबरने में मदद की है और अभी भी वैश्विक आर्थिक समन्वय पर मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। भारत इसे आगे बढ़ाना चाहता है और खासकर वैश्विक दक्षिण में इसे अधिक प्रासंगिक बनाना चाहता है। तवांग जिले के जिमीतांग और केरेटिंग में तैनात भारतीय सेना के जवानों ने पारंपरिक तरीके से लोसर फेस्टिवल मनाया। बौद्ध भिक्षुओं की मौजूदगी में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए और जवानों ने पारंपरिक खान पान का आनंद उठाया। लोसर उत्सव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सैनिकों को स्थानीय त्योहारों से रूबरू कराना और लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है। ईटानगर के सिद्धार्थ हॉल में आयोजित इंटर क्लब बॉक्सिंग प्रतियोगिता रविवार को संपन्न हो गई। अरुणाचल अमेचर बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा पुरुष और महिलाओं के लिए विभिन्न आयु वर्ग में आयोजित इस प्रतियोगिता में राज्य के 13 क्लबों के 106 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह को संबोधित करते हुए विधायक गोकर बासार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के कदम का सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। उन्होंने युवाओं से नशे का सेवन ना करने और खेलों में जुड़ने की अपील की। जब भी हम स्पोर्ट्स मिनिस्टर से या हमारा लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर से बैठेंगे तो मैं हमेशा स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए मैं चर्चा करूंगा। वो प्रॉमिस तो हम आप लोगों को मैं दे सकता हूँ। जो खिलाड़ी इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे अगर जो अचीव करता है उसको तो कंपनी इंडस्ट्री डायरेक्ट एडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारे अरुणाचल में ये चीज नहीं हो पाने का कारण अभी थोड़ा स्पोर्ट्स तो थोड़ा पीछे पे है। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा लेजिस्लेटर और ऐसा यंग अरुणाचल यूथ में भी स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए जो भी मेरा तरफ से बनता है मैं कोशिश करूंगा और लपारादा में तो मैं अपना पूरा ताकत लगाकर बेता हूं कि स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए नॉट ओनली इन बॉक्सिंग इन एवरी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी तक मेरा कुछ कुछ सर्कल पे फुटबॉल ग्राउंड नहीं थे, वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं थे, तो इसलिए मैं इसको मैं कोशिश कर रहा हूं। और इस बार भी हमारे स्टेट में आईटिंग 5 डिविजन पे बात के यहाँ पे संसद के स्पर्धा का जो ओलंपिक जो खेल है ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। फॉर्चुनेटली मेरा बासार भी एक उस सियांग बेल्ट का सेंटर है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो मेरे तरफ से जो भी मदद और जो भी ऐसे लोकल MLA लपारादा के मैं जो भी चीज मैं फेलिसिटेट कर पाऊँ मतलब कर सकूंगा मैं जरूर। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।